नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, फ्रांस भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो फ्रांस में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 219,126 नए केस एक ही दिन में सामने आए हैं। फ्रांस में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। ऐसे में कोरोना के लगातार तेजी से बढ़ रहे केसों ने फ्रांस की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि ऐसे में लगातार बढ़ रहे कोविड केसों से आने वाले दिन कठिनाई भरे हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के नए मामलों में और इजाफा हो सकता है। वहीं देश में एक सप्ताह में कोविड औसत भी करीब 5 गुना बढ़ गया है। इधर फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का कहना है कि कोरोना के नए केसों में करीब 62% ओमिक्रॉन वेरियंट के केस हैं। एजेंसी का ये भी कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के फैलने को लेकर हम पहले से चिंतित थे, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील भी की है। वहीं फ्रांस में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 6 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकारी स्तर पर मास्क पहनने के लिए बच्चों की एज 11 साल से कम करके 6 साल करने और स्कूलों को बंद करने पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। वहीं कोविड के लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद छोटे बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खेल मैदानों और पूजा स्थलों पर मास्क लगाना होगा। हालांकि अभी तक फ्रांस में कोविड के नए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन मास्क को अनिवार्य करने का आदेश पेरिस और ल्योन समेत कई शहरों में सख्ती के साथ लागू कर दिया है। फ्रांस की सरकार का मानना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से सामने आ रहे केसों को देखते हुए यदि लॉकडाउन का फैसला लिया जाता है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होगा। ऐसे में वहां बिना लॉकडाउन के ही हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि फ्रांस में कोविड-19 से अब तक 1,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।